ये बंदर तस्करों से बचाकर लाए गए थे। अब जंगल के बीचों बीच इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में इनकी देखभाल हो रही है। यहाँ तब तक इनका ध्यान रखा जाएगा जब तक ये दोबारा जंगल में रहने लायक नहीं हो जाते। इन बंदरों ने तस्करी के दौरान गहरा सदमा झेला। ये संस्था अब तक 800 से ज्यादा जानवरों की मदद कर चुकी है। इससे अमेज़न इलाके की जैव विविधता को बचाने में बड़ी मदद मिली। ये संस्था मूल निवासियों और पर्यटकों को संरक्षण की अहमियत समझाती है। इस संस्था ने पूर्व शिकारियों के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद वे शिकार करने के बजाय टूर गाइड का काम करते हैं।